अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाबिस, मोहम्मद इनायत। ओके, आई वांट टू से आज हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। हम लोग आज हम लोगों ने, जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज हम लोगों ने एक अपलोड किया है कॉक स्टूडियो 14 का ठगियां। ओके, सो वहाँ पर एक बंदे ने बोला कि भाई आपने, आप यहाँ पर वादा तो कर रहे हो कि कंटिन्यू आओगे, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है आप पर कंटिन्यू आओगे करके। अब आपको जब हम शूट कर रहे हैं, अब तो भरोसा हो गया होगा कि हम लोग रोज कर रहे हैं, तो हम लोग रोज आएंगे। अभी तो बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे अब तक। हाँ, ये नहीं, ये आई थिंक कल ही आ जाएगा, बिकॉज ये ट्रेंड में चल रहा है, तो हम लोग कल ही डाल देंगे ये। उसके बाकी के वीडियोस आगे आएंगे। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं टीजर्स के ऊपर और फर्स्ट लुक के ऊपर, जिस ड्रामे का नाम है चौधरी एंड सन्स। एंड आई बिलीव ये रमजान टाइम में आने वाला है ये ड्रामा, बिकॉज कमिंग सून का दिखा रहा है, तो मोस्टली रमजान में ही आएगा ये। और इसमें इमरान अशरफ है, यू रिमेम्बर इमरान अशरफ? नो, आईफाई सिंह मैल पक्का है। रांझा रांझा कर दी, द वे द मेंटली सिक गाय का रोल जिसने प्ले किया है रांझा रांझा, आई रिमेम्बर। ओके, सो इमरान अशरफ का मैं बोलना चाहूँगा, मैंने इनके अभी तक रांझा रांझा कर दी देखा है, रक्स से बिस्मिल देखा है, और अलिफ अल्लाह और इंसान ड्रामा देखा है। तीन ड्रामास, तीन डिफरेंट कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किया है। रांझा रांझा कर दी में ही इज प्लेइंग अ मेंटली सिक गाय। ओके, अलिफ अल्लाह और इंसान में ही इज प्लेइंग अ ट्रांसजेंडर, और रक्स से बिस्मिल में ही इज प्लेइंग अ वेरी हार्ड कोर क्रिमिनल टाइप रोल, यू नो, बैड गाय टाइप ऑफ, मतलब कि अच्छे ही हैं, उस तरीके का कैरेक्टर है उनका। ही इज सच एन अमेजिंग एक्टर कि तीन जगह भी आप उनको देखोगे, तीन जगह भी आप पहचान नहीं पाओगे कि ही इज द वन। और यहाँ पर मुझे फर्स्ट थंबनेल में ही वही दिख रहा है, ट्रांसजेंडर का रोल होता है, उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से प्ले किया। आई हैव सीन व्हिच वन, हैव यू रिएक्टेड टू इट? अलीफ अल्लाह इंसान के ऊपर आपने नहीं रिएक्ट किया है, बट रक्से बिस्मिल और रांझा रांझा कर्दी के ऊपर आपने रिएक्ट किया। मैंने तीनों ड्रामा भी देखे हैं। ओके, ही इज एन अमेजिंग एक्टर मैन भाई। तो अलीफ और अल्लाह इंसान देखने के बाद तो इनका फैन बन गया है, बिकॉज आई कैन सी रांझा रांझा कर्दी, ही प्लेड डेफिनेटली डिफरेंट कैरेक्टर, लेकिन एक कैरेक्टर प्ले कर सकता है आदमी, दो कैरेक्टर प्ले कर सकता है, लेकिन हर कैरेक्टर में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ना इज वेरी वेरी यू नो अमेजिंग थिंग। और इसमें इनके साथ हैं आइजा खान, जिसकी वजह से आपने कंपटीशन जीता मुझसे। वो तो नहीं पता, वो दिल नो इट लेटर, दिल नो इट लेटर। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। आई थिंक पांच टीचर्स आ चुके हैं। आई एम स्क्रैचिंग माय लेग इन अ रिकॉर्डिंग, आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो हाउ आई कैन डू दिस, हाउ आई कैन बी सो अनप्रोफेशनल। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टीजर। इट्स अ फर्स्ट लुक, 59 सेकंड्स। अच्छा, फर्स्ट लुक है। ओके ओके, हम लोग पांच टीजर्स के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं बैक टू बैक। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओ सजनों ते बेड़ियों पितरों ते सेवियों, मेला लग गया, मैदान सज गया, ते गुम सुम हम और तुम, पंजा फर पंजा उतो दौन फर दौन, चल 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 शाबाश। लेकिन आ रहे हैं चौधरी दिलदार, लेकर अपनी दिलदारियां बिल्लू चौधरी की खुशियां। रहो नकालों से होशियार और देखते रहो चौधरी एंड सन्स मेरे यार। कमिंग सून, चौधरी एंड सन्स। और ये सिर्फ इमरान अशरफ का ही फर्स्ट लुक था। So we are going for second teaser, teaser number 2. My name is Bilal Chaudhary, people call me Billu. Speed jiski juwani aur nakhra jiski bare. Billu on the mic, Dada on the floor. Oh, aaya mera babar sher. Main hu par katte lagaye. Nakli bola par. Jisme bare jao na, uski kismat khul jati hai. कौन से हैदराबाद दक्कन की ठक्कर है ये? मैं होशियारपुरियों का लड़का, फिर मुझे गुस्सा आ गया ना तो उठा के सीट पे बैठूंगा। परी भी ना हैदराबादियों की बेटी है, हिम्मत है ना तो उठा के बिठा लो परी को। वायरस है ना, ये बक्टेरिया बन के दिलो दिमाग की तबाही फेर देता है।
I think this is a rom-com drama. Yeah. Okay. So, teaser number 3. 3, 3, 4, 5, 3. 2 days ago. Start. मैं हूँ परिसान, जो अपने राइट्स के लिए लड़ना जानती है। शादी अम्मा कहती हैं, चार बंदे। एक दिन परी आपका ऐसा नाम रोशन करेगी। इंसान के नाम से बड़ा ना इसका काम होना चाहिए। सबका कत्ल हो गया। कितने दिन हो गए आप लोगों को पाकिस्तान आए? परी ऊपर चली मत समझना। देख लूंगा मैं तुम्हें, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। परी को नहीं करनी किसी फजूल लड़के से शादी। लड़का ना फिरोज खान जैसा हैंडसम होना चाहिए। किसको? इसको। So, teaser number 4. Yeah. Chaudhary and Sons. Hyderabad mein khanaune qatl ki waardaat. Police pakad ke le jayegi, par ladki ne apne aashiq ko chhat se dhakka de diya. Allah ne hamara haath pakad liya, pata baba apni zabaan band kar sakte hai. Theek hai? Kitne sare log ek hi ghar mein rehte hain kya? Le putar mard raat ko hotel mein chale jaate. Naam kya hai tumhara? Parisa. Parisa? Parisa. वजह से बसी हुई मेरी शादी ये बरादरी सिस्टम के टायरों में रिश्ता नंबर 197 Absolutely एक बात याद रखना परिचरी बिल्लू चौधरी का एक फंडा है जो छेड़े उसे मत छोड़ो अभी तो कुछ प्रोसेस हुआ है दिमाग में अभी नहीं यार लॉट ऑफ लास्ट देख ले हम लोग देख ले टीज़र 5 मेरी सारी जिंदगी को बेसबर उसने किया उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया ओए ओए चौधरी साहब कान पकड़ो चलो इसी बहाने सही तुम परी के आगे झुके तो बिल्लू चौधरी जमाने को अपनी ठोकर में रखता डॉक्टर सलमान तेरा भला हो जाए इसलिए अब्बा जी की हफ्ते में 3-3 दिन तबीयत खराब हो रही है जब दादा जी को दवाई खिला रहा हूँ उसकी वीडियो बनाऊंगा व्हाट्सएप कर दूंगा कैसा उसकी जरूरत नहीं है वीडियो में मैं भी हूँ अभी कमिंग सून ही है क्या आई थिंक 5th teaser में हमें कुछ आइडिया मिल गया के चौधरी साहब का स्टार्टिंग में 4 teasers में चौधरी साहब सिर्फ दिखाई दे रहे थे यहाँ पर वो छा गए ओमपुरी लाइट वर्जन लग रहे हैं ये हाँ हम अपने ओमपुरी जो हैं उनका लाइट वर्जन लग रहे हैं चौधरी साहब या बहुत अच्छा लगा यार देखिए सेवन स्काई तो ऑलरेडी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाती है साथ साथ में कभी कॉन्टेंट हैवी भी बनाती है देख के लगता है मुझे इनिशियली स्टार्टिंग करने से मुझे एक्चुअली मैं बोलूँ तो सिंस आई डोंट रिमेंबर आपको जो उन्होंने बोला था ना आपने लीड एक्टर क्या है नाम इमरान अशरफ अशरफ का काम मुझे उतना बेहतर नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे जो लड़की थी वो डोमिनेट कर रही थी कहीं ना आई थिंक इमरान अशरफ यहाँ पर उतना कमाल नहीं दिखा रहे थे ऑनेस्टली मैं ही बोल सकता हूँ लेकिन ड्रामा में वो कमाल दिखा सकते हैं बिकॉज ही इज़ अ गुड एक्टर
बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पास ड्रामाज में बहुत अच्छा रहा है. सो आई कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट हिम कि यहाँ पर वो काम कुछ खराब नहीं करेंगे. बट यार टीजर्स में ही इज लुकिंग लाइक अ वेरी यू नो बड़े घर का एक बंदा जो कि एकदम मतलब कि मजे कर रहा है उस तरीके का. मतलब उसमें उतनी एक्टिंग का उनका ये नहीं दिखा बिकॉज आयजा इज वेरी लाउड एंड वो बहुत ही छा रही थी. एग्जैक्टली डोमिनेट हो रहा था कहीं. हाँ, और वो जवाब दे रही थी उनको अच्छे से. And he was also making a fool of himself, and which is the demand of the script, I guess. So yeah, अच्छा लगा. Very ऐसा होता ना कि these kind of shows are basically a lazy afternoon show. होते हैं hot lazy afternoon shows होते हैं. मतलब इंडिया में भी बनते हैं ये जो होता है स्लॉट, ये दोपहर का होता है स्लॉट. ऐसे शोज रात में मोस्टली नहीं चलते. बहुत कम शोज आते हैं जो सारी वीक चलते हैं. बट वो हर शो का एक डे होता है, एक टाइम होता है. जैसे कि थर्सडे नाइट, जैसे कि फ्राइडे नाइट या ट्यूसडे नाइट, वेडनेसडे नाइट, मंडे नाइट. वीक में एक बार एक एपिसोड आता है या फिर वीक में दो बार आता है, सारा वीक नहीं आता. इनफैक्ट इंडिया में भी बैक इन 1998-1999 या 2000 तक भी, क्योंकि बहुत ही आने तक भी इंडिया में वही होता था. मंडे एक शो, ट्यूसडे एक शो, थर्सडे वेंसडे एक शो, थर्सडे एक शो, फ्राइडे एक शो, फिर सैटरडे संडे मूवीज. ऐसा हुआ करता. इनफैक्ट फ्राइडे को होते थे स्पेशल शोज, उसके बाद सैटरडे संडे आते थे मूवीज आते थे उसमें 9 o'clock तक. 9 o'clock के बाद 8:30 के बाद देयर इज़ टू बी मूवीज, क्योंकि तब वी डू नॉट हैव एनी डिफरेंट चैनल फॉर मूवीज, डिफरेंट चैनल फॉर एंटरटेनमेंट. ऐसा होता नहीं होता. उसी में न्यूज़, उसी में सब कुछ आता था यहाँ पे. आई थिंक वही है यहाँ पे. लेकिन हाँ, देखिए ये जहाँ तक इंडिया की अगर हम नज़र से बात करूँ तो ये आफ्टरनून शोज होते हैं ऐसे. लाइट लाइट जो यहाँ पे सब टीवी बनाती है ऐसे शोज. यस, सब टीवी बनाती है, तारक मेहता ऐसे होते हैं. अगेन वो उसमें क्या, सब टीवी के दोपहर के स्लॉट के भी अच्छे. इफ़ यू इकोनॉमिकली वाइज देखें तो दोपहर के जो होते हैं शोज वो ज़्यादा उसमें ऐड डाल सकते हैं. दैट्स बेसिकली जब विमेन लोग घर में सब कुछ काम करके थोड़ा थोड़ा काम डाउन है कर रहे हैं, वो दैट्स व्हेन दे वॉच सच शोज. आई थिंक उसकी वजह से वो बनाते हैं वहाँ पे. वैसा लग रहा था एंड इट सीम्ड वेरी वेरी कॉमिकल. ऐसा लगा बहुत प्यारा, ऐसा नहीं कि फोर्स कॉमेडी लग नहीं रही थी. एंड चौधरी साहब वॉज एक्चुअली लुकिंग लाइक अंकल जो कि बहुत स्वीट हैं, जो कि अकेले हैं जिंदगी में, कोई चाहिए उनको. हाँ. और डॉक्टर को बुलाते हैं ऐसे बिना वजह बीमार. दादा का रोल प्ले करने बहुत यंग भी दिख रहे थे वो. एग्जैक्टली दादा के कैरेक्टर में. एग्जैक्टली उनके जो बड़े बेटे दिख रहे थे वो विद अ बियर्ड, यू नो, वो जो उनके सफेद बाल हो चुके थे. उनको मैंने बहुत सारे ड्रामा में देखे. उनके बेटे को वो बेटा थोड़ा बाबा से थोड़ा उम्र वाला दिख रहा था. यू नो, सो या दिस इज अमेजिंग वन. आई थिंक बहुत ही मैंने बहुत कम ड्रामा ऐसे देखे हैं कॉमिक के, बिकॉज मैंने ज्यादातर वो ड्रामा जो देखे हैं बहुत ही सीरियस या फिर कंटेंट वाले ही, मतलब कि जो अलग जॉनर में होते हैं. आई थिंक कॉमिक जॉनर में मैंने सिर्फ सुनो चंदा सीजन 1 and 2 ये दो ही देखे हैं. उसके अलावा मैंने आई थिंक कोई भी कॉमिक ड्रामा नहीं देखा है पाकिस्तानी का. सो दिस इज गोना बी फन. आई थिंक चौधरी एंड सन्स, आई वॉन्ट टू डेफिनेटली इसका जब OST आएगा तो लोग हमें जरूर सजेस्ट करेंगे कि OST के ऊपर रिएक्ट करें. तो आई थिंक बहुत जल्द आने वाला भी है वो. सो लेट्स सी. ओवरऑल टीजर्स बोलूँ तो मैं लास्ट का जो 5th टीजर है वो बहुत बेहतरीन दिखा मुझे. जहाँ पर चौधरी साहब का लव ट्रायंगल दिखा रहा था उसके ऊपर जो भी होता वो तो बहुत ही यू नो भाग दौड़ एंड ऑल दो स्टफ ही हो रहे थे. बिकॉज बट टीजर 5 में थोड़ा वो एक प्लॉट की थोड़ी झलक दिखाई देने दी थी हमें कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग. वो बहुत स्लो भी था, वो इतना फास्ट नहीं था दूसरे टीजर्स की जैसे. सो या आई लव्ड इट. या टीजर 5 वॉज अमेजिंग, अदर टीजर्स वर गुड. व्हाट से I think last one was, the 4 were very high pitch and the last one was mostly of the very calm. Calm, thoda yeah. वहाँ से लेके जा रहे थे. तो I think that was good. I think the editors know what they are doing. Yeah. They had a theme for every particular teaser and then how they wanted to end it. Haan. So yeah, I think more आएंगे तो more देखेंगे. इसके teasers coming soon दिखा रहा हूँ. सो या दिस वॉज अवर रिएक्शन ऑन चौधरी एंड सन्स टीजर्स. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट. यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. दिस इज मोहम्मद शाबिज़ नोवा गनायत साइनिंग ऑफ.